हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने वंडर ट्विंस की मूवी और सीडब्ल्यू के कई सारे शोज को कैंसिल कर दिया है। ये न्यूज़ काफ़ी पहले निकल के आ गई थी, लेकिन जब तक मल्टीपल सोर्सेज से न्यूज़ कन्फर्म नहीं होती है, तब तक मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। अब क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है, इसलिए हम लोग इस वीडियो में इन्हीं कैंसिल प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फ्यूचर प्रोजेक्ट डीसी का अब खतरे में है और कौन से प्रोजेक्ट्स ग्रीनलिट रहेंगे, यानी कि उन पे मूवी बनेगी ही बनेगी। तो सबसे पहले सीडब्ल्यू शोज की बात करें तो बैट वुमेन को वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने कैंसिल कर दिया है, लेजेंड्स ऑफ टुमारो को कैंसिल कर दिया है, और जो फ्लैश है शायद सीजन 9 जो है शायद उसमें फ्लैश को कंक्लूड कर दिया जाए, यानी कि एक सेटिस्फाइंग एंडिंग दे दी जाए फ्लैश टीवी सीरीज को। एक लौता टीवी शो सीडब्ल्यू का जो ढंग का इस वक्त चल रहा है और जिसका रेटिंग्स अच्छी हैं, वो है सुपरमैन एंड लुइस। तो सुपरमैन एंड लुइस को तो कैंसिल ये नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो सीडब्ल्यू के शोज हैं शायद उनको कैंसिल कर दिया जाए। और गाइस, सीडब्ल्यू शोज या एरोवर्स के शोज, इनके साथ मुझे प्रॉब्लम क्या है, इनके शुरू के सीजन तो बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। जैसे फ्लैश का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सीजन 1 बहुत अच्छा था, सीजन 2 उससे भी ज्यादा अच्छा था, सीजन 3 भी बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे इनके सीजन आगे बढ़ते हैं आप गौर करेंगे कि इनकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा गिरावट आने लग जाती है। यानी स्टोरी को बिला वजह घसीटा जाता है, सीजीआई तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, और अब तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं सीडब्ल्यू के सुपर हीरो शोज़ का। तो इन शोज़ को कैंसिल करना एक बहुत अच्छा डिसीजन है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का। इन प्रोजेक्ट्स में जो हम फालतू का बजट जो वेस्ट कर रहे हैं उसको आप डाइवर्ट करिए डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की तरफ और डीसी की लाइव एक्शन मूवीज़ में उन्हें इन्वेस्ट करिए। तो ये जो प्रोजेक्ट सो कॉल्ड कैंसिल किए जा रहे हैं सीडब्ल्यू के, ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये न्यूज़ भी निकल के आई थी कि सीडब्ल्यू जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वो वार्नर ब्रदर्स को उतना ज़्यादा प्रॉफिट बना के नहीं दे रहा जितना उनको उम्मीद थी, और कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही थी कि वो लॉस में जा रहा है। इसलिए इन शोज़ को कैंसिल करना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहें तो एक अच्छी न्यूज़ है। अब गाइस, आपको याद होगा गॉथम नाइट्स नाम से जो वीडियो गेम आने वाला है, तभी ये अनाउंस किया गया था कि गॉथम नाइट्स का एक सीडब्ल्यू शो भी आएगा। अब मुझे क्या लग रहा है, गॉथम नाइट्स का सीडब्ल्यू शो कैंसिल हो जाएगा। अब वजह यह है कि इसमें नाइटविंग और रेडहुड नजर आने वाले थे, लेकिन हम जानते हैं माइकल कीटन का जो बैटमैन है उससे अब डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में मेन बैटमैन बनाया जा रहा है और उसके थ्रू बैट फैमिली को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बैट गर्ल की मूवी तो ऑलरेडी आने ही वाली है, तो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी शायद ये करना चाहेंगे कि नाइटविंग, रेडहुड, इन कैरेक्टर्स को अब डायरेक्ट डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में एक बड़ी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। सीडब्ल्यू शो बिला वजह बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका बजट भी ज्यादा नहीं होगा और हम जानते हैं कि क्या खराब रेपुटेशन इस वक्त बनी हुई है सीडब्ल्यू के सुपर हीरोज की। तो गॉथम नाइट्स का प्रोजेक्ट कैंसिल होगा। अब हम लोग लाइव एक्शन की बात करते हैं, तो वंडर ट्विंस का शो या मूवी जो भी आने वाली थी ये भी कैंसिल हो चुकी है। और वंडर ट्विंस की मूवी में हम जानते हैं गाइस कि कास्टिंग के ऊपर भी न्यूज आ चुकी थी कि रिवर डेल के जो एक्टर हैं वो नजर आने वाले हैं वंडर ट्विंस में, और कुछ वीक्स बाद तो इसकी फिल्मिंग भी शुरू होने वाली थी, लेकिन वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने इसे कैंसिल कर दिया है। अब वंडर ट्विंस का प्रोजेक्ट भी गाइस ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर इस पे मूवी बनती तो भी मैं देख लेता मूवी को, मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती, और मूवी कैंसिल भी हो गई है तो आई हैव नो इश्यू। तो अगर इसे कैंसिल कर रहे हैं ये, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी शायद वंडर ट्विंस के बजाय इन्हें अपने बड़े ए लिस्ट कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, तब वंडर ट्विंस जैसे बी लिस्ट कैरेक्टर्स को बाद में इन्हें लाना चाहिए। अच्छा, अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किन डीसी प्रोजेक्ट्स पे तलवार लटकी हुई है। तो गाइस, जिन डीसी प्रोजेक्ट्स का अर्ली प्रोडक्शन शुरू हो चुका है वो प्रोजेक्ट सेफ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्लू बीटल मूवी पूरे तरीके से सेफ है, क्योंकि लैटिन अमेरिकन सुपर हीरो ये है, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करना चाहेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है गाइस, अगर ब्लू बीटल मूवी सक्सेसफुल होती है तो एक बात गारंटीड है कि स्टैटिक शॉक की मूवी भी बनेगी ही बनेगी 100%। स्टैटिक शॉक कि जो मूवी या टीवी शो जो भी ये बनाने वाले हैं वो डिपेंड करता है ब्लू बीटल मूवी के सक्सेस पे। ब्लू बीटल सक्सेसफुल हो रही है तो स्टैटिक शॉक की भी मूवी बनेगी ही बनेगी। और कुछ लोग ये रूमर फैला रहे हैं कि बैट गर्ल मूवी कैंसिल हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बैट गर्ल मूवी की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है और बैट गर्ल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है, इसके थ्रू नाइटविंग को टीज किया जाएगा और फ्यूचर में हमें नाइटविंग की भी लाइव एक्शन मूवी देखने को मिल सकती है। अब गाइस, दो प्रोजेक्ट जटैना और जॉन कॉन्स्टेंटीन, ये दोनों इस वक्त 50-50 के चांसेस मुझे लग रही हैं। हम जानते हैं कि ये न्यूज थी कि वार्नर ब्रदर्स इस वक्त एक जस्टिस लीग डार्क की मूवी बनाने वाले हैं, तो अगर जॉन कॉन्स्टेंटीन का प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा है तो 100% जटैना का प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो जाएगा।
लेकिन अगर जॉन कॉन्स्टेंटिन का प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी मूवी या टीवी सीरीज बन रही है, तो जैटेना का भी लाइव एक्शन अपियरेंस होगा ही होगा। कैंसिल होंगे तो दोनों होंगे, अगर बनेंगे तो दोनों बनेंगे। और अगर दोनों प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लाइव एक्शन इनका हो रहा है, तो गारंटीड है कि जस्टिस लीग डार्क मूवी भी हमको देखने को मिलेगी। आगे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स, जिसका एक एचबीओ मैक्स एक्सक्लूसिव लाइव एक्शन आने वाला है। अब इसके बारे में तो बहुत पहले न्यूज़ निकल के आई थी कि ये राइटर होने वाले हैं और गाय गार्डनर और एलन स्कॉट शायद ग्रीन लैंटर्न इसमें नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद पूरे तरीके से कोई न्यूज़ ही से रिलेटेड नहीं आ रही। तो मुझे लग रहा है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो सकता है, और टीवी शो एचबीओ मैक्स पे बनाने के बजाय ये शायद लाइव एक्शन लाना चाहेंगे ग्रीन लैंटर्न को। अब गाइस, ग्रीन लैंटर्न रियन रेनॉल्ड्स की जब से फ्लॉप हुई है, वार्नर ब्रदर्स एक तरीके से हाथ डालना ही नहीं चाहता ग्रीन लैंटर्न की लाइव एक्शन मूवी में। इसीलिए इतने साल बाद, इतने साल तक डिमांड हुई है, तो अब जाके इन्होंने एक टीवी सीरीज को ग्रीनलिट किया था ताकि इसको कंट्रोल्ड बजट में बनाया जा सके। लेकिन अभी फिलहाल जैसे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया जा रहा है, तो हैल जॉर्डन का ग्रीन लैंटर्न अभी हमारे पास है नहीं, और आप बाकी ग्रीन लैंटर्न्स पे मूवी बना रहे हो, तो आई थिंक ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स भी कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई न्यूज़ निकल के नहीं आ रही इससे रिलेटेड कुछ मंथ्स में, तो 100% गारंटीड है कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स भी कैंसिल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि जो प्रोजेक्ट्स कैंसिल ये कर रहे हैं, इसका बजट ये डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में कहाँ यूज़ करेंगे ये? तो हम जानते हैं कि डीसी को शायद अपना सेपरेट स्टूडियो भी मिल सकता है, और डेविड जेसलव शायद ग्रास रूट लेवल से दोबारा फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जितना भी बजट है जो सीडब्ल्यू शोज को कैंसिल करके मिलेगा, ये इन्हें पुट करना चाहिए सुपरमैन रिबूट मूवी में। हम जानते हैं जे जे अब्राम्स का जो सुपरमैन रिबूट होने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि जल्द ही इससे रिलेटेड हमें कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि डेविड जेसलव ने भी कहा है कि ये सुपरमैन को मेन फेस बनाना चाह रहे हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का। इसका मतलब यह है कि या तो मैन ऑफ स्टील 2 ग्रीन लिट होगी, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल मुझे लग रहा है कि वो ग्रीन लिट हो पाएगी, वेल्स ऑर्ड का सुपरमैन प्रोजेक्ट और जे जे अब्राम्स का जो सुपरमैन रिबूट है। तो वेल्स ऑर्ड और जे जे अब्राम्स का जो सुपरमैन रिबूट है, इन दोनों पे हमें ज़रूर कोई न्यूज़ जल्दी ही देखने को मिल सकती है, और सीडब्ल्यू शोज का जो बजट है शायद ये पुट कर दिया जाए सुपरमैन के रिबूट में, क्योंकि बैटमैन का रिबूट सक्सेसफुल हुआ है, और क्या कैनन है क्या कैनन नहीं है, और हेनरी कैवल पता नहीं इनका फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट हो पाए वार्नर ब्रदर्स से कि ना हो पाए। अब डेविड जेसलव, क्योंकि एक नई मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉजिकली भी ये सेंस बनाता है कि आप हमेशा ग्राउंड लेवल यानी कि एक नई चीज़ से स्टार्ट करें। तो चांसेस यही बन रही है कि सुपरमैन रिबूट का जो प्रोजेक्ट है जेजे अब्राम्स का, ये जल्द ही आगे बढ़ेगा। और जो एक र्यूमर निकल के आया था कुछ दिन पहले कि ये एक ब्लैक सुपरमैन मूवी अब नहीं होने वाली है, ये एक कहें तो वाइट अमेरिकन कैरेक्टर ही प्ले करेगा सुपरमैन को, तो शायद इस आइडिया के साथ ही आगे बढ़े, और सीडब्ल्यू का जो अननेसेसरी बजट जो इस्तेमाल हो रहा था वो अब सुपरमैन के रिबूट में पुट किया जाएगा। तो ये गाइज मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो वंडर ट्विंस मूवी जो कैंसिल हुई है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो बने या ना बने, बनती तो मैं देख लेता, नहीं बन रही तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लू बीटल मूवी बनेगी ही बनेगी, और ब्लू बीटल अगर बनेगी तो स्टैटिक शॉक की मूवी भी लाइव एक्शन बनेगी, और जॉन कॉन्स्टेंटीन जेटैना एक कैंसिल होगी, तो दूसरे का कैंसिल होना ऑलमोस्ट कंफर्म है। ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स भी ऑलमोस्ट कैंसिल ही, आप समझ लीजिए से गॉथम नाइट सीडब्ल्यू शोज भी कैंसिल होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या ये सीडब्ल्यू कैंसिल शोज के बजट को सुपरमैन रिबूट मूवी में लगाना क्या एक सही डिसीजन रहेगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।